सारे पासों पर उसमें गुरद्वारा साहब में रास्ते निकलते हैं और सामने साइड तो भी फिर इधर सामने साइड तो भी आ जाता एक पाले पास की भी आ जाता एक बैक साइड तो भी आ जाता सामने साइड गुरद्वारा साहब की बासवीं ज्योड़ी बहुत ही सोहनी बनी हुई है रहायश बनी हुई है बच्चे बहुत ही वधिया हर एक मनोकामना पूरी होंगी इतने लंगर 24 घंटे तुरत वरतदा इतने गुरद्वारा गोइंदवाल साहिब तर तर एरिए आ जाता गुरद्वारा अमरदास जी बहुत ही सोहना गुरद्वारा बनया हुआ गुरद्वारा साहब की ज्योड़ी के नाल सारी मार्केट बनी हुई है हर एक चीज़ इतने मिल जाती है जो चीज़ आप चाहिए है गमाला साहिब ज कड़े या होर की चीज़ आप लैनी हो जिदा पंज ककार सारिया स्थानों पर मिल जाती है दसवीं ज्योड़ी बारी साइड तो गोइंदवाल साहिब पाशी तीसरी श्री गुरु अमरदास जी नाल ही जोड़ा घर बनया हुआ कार पार्किंग आ जाती इधरी साइड नाल बहुत ही सोहना गुरद्वारा साहब बनया हुआ पाशी की तीसरी गुरद्वारा गोइंदवाल साहिब तर तर गुरद्वारा साहब का दीवान हाल मंजी साहब जी ने कह दिया देख सकते हैं दरबार साहिब बौली साहब ना ही निशान साहिब दरबार साहब की करमा और दरबार साहब की बैक साइड भी कमरे बने हुए ने रिहायश लई ते उस तो उपरंत बगली साइड ही गुरद्वारा श्री गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन इत्थे जाने जिहड़े अपने बिरत हो जाते जिहड़े अपने महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वो इत्थे फिर विराजमान किए जाते ते नाल ही इत्थे रमाला साहब भी इत्थे अग्नि भेट कर दिते जाते जिहड़े गुरद्वारा साहिब विच्चों ज़्यादा बढ़ जाते जो संगत ज़्यादा लैके आती है तो फिर वो इत्थे लिया के इन्हां नूं आ गुरद्वारा साहिब विच्च अग्नि भेट किया जाता इकट्ठे करके बहुत ही सोहना गुरद्वारा साहब बनया हुआ पातशाही तीर जी श्री गुरु अमरदास जी तरन तारण गुरद्वारा गोइंदवाल साहिब तरन तारण एरिए इतने बौली बनी हुई है बौली के बंदा कुछ स्नान कर दिया सच्चे दिनों पर स्नान कर दिया तो सारिया मनोकामनियां पूरिया होंगे जी इतने बौली साहब बनया हुआ वा बौली साहब के सेवा श्री गुरु रामदास जी ने आपके हथी आप इतने इतने की जब श्री गुरु अमरदास जी ने बौली की सेवा शुरू करवाई सी कहा जाता कि भी जी इतने नदी है जी इतने तीन नदियां रलिया हुई यमुना गंगा तो सरस्वती तो जोड़े उत्थे ना कुछ जोड़े संगी से बाबा जी के अमरदास जी बाबा जी संगी उत्थे चले गए नदी के बच्चे तो उत्थे उनका एक लोटा से एक लोटा उन्होंने हथों डिग पिया तो फिर वो जो गुरु महाराज को वापस आए तो महाराज को कहते महाराज सा तो भी एक लोता भी डिग पिया साढ़े हथों तो फिर महाराज कहें भी आप एक गोल एक बौली साहब बनाया और एक बौली बनी है जाके देख के तो भी किदा भी सही बनी है तो जब वो देख गए तो वह बौली के बच्चे लोटा उत्थे पिया तो कहें महाराज ये लोटा इतने क्या वापस आ गया तो वह कहें भी जी जो आप बौली बनाई है वह इतें ही आँदी आ जी जी जिते तुम लोटा सट गए थे जो पानी जो नदी का वह इस बौली के बच्चे ही आता